आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में। जैसे कि हमने लूप जब स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि लूप दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर, दूसरा होता है डू। तो फॉर लूप के भी हमारे पास दो पार्ट है, देखा है आपका फॉर आई था जो हमने स्टार्टिंग टू एंडिंग लिया देखा, और फॉर इच के बारे में। डू व्हाइल सर रिकॉर्डिंग चालू नहीं है, रिकॉर्डिंग की परमिशन मैंने दे दी है आप लोगों को। नहीं हो रहा है सर, अभी आप ज्वाइन किए ना सर? हाँ। तो यहाँ पे हमने डू व्हाइल एंड डू अनटिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डू व्हाइल या डू अनटिल एक कंडीशंस के ऊपर ही आपका परफॉर्म करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हमारे पास कॉलन एक मिनट है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल को इंसर्ट किया। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो डेटा है, ये हमारे पास डेटा को रिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे, अब मैं मेरे कॉलम में कुछ डेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरे इस एक कॉलम में जब तक वैल्यू मिलती रहे बी के सामने हमारा डेटा डलता जाए। तो हमने फोर इच में हमने बोला कि भाई फोर आई से 13 तक चलो, और हमने ऑटोमेशन करने के लिए एक्सेल अब यूज किया, लेकिन इसमें हम ये ऐसा नहीं करना चाहते। हम सिंपल बोलते हैं कि कॉलम ए में जहां तक इसको वैल्यू मिल रहा है वहां तक हमारे बी कॉलम में 500 लिखता चला जाए, सिंपल। तो उस केस में क्या करेंगे, चलिए तो यहां पे हम सब्जेक्ट देते हैं और यहाँ पे हम देते हैं, एक तो हम देते हैं dim r as a integer, क्योंकि इसमें कोई काउंटर नहीं होता है ताकि आपका रो चेंज हो। हमें लगा है कि do while range डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और हमने बोला आई में से इसको आर करना, माफ कीजिएगा, इसलिए आर इक्वल टू वन दिए कि फर्स्ट टाइम तो आर ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक चलेगा ना, वैल्यू इक्वल टू 800 और यहाँ पे r इक्वल टू r प्लस वन करके नेक्स्ट के लिए दे दिया एंड यहाँ पे लूप। तो आप देखिए आपके यहाँ 800 कर तो दिया, लेकिन कह रहे सर ये वैल्यूज ने हमने b कॉलम में करना था, हमने a कॉलम में कर दिया, इसलिए वैल्यू को चेंज कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें b कॉलम कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं अपने डेटा पे जाता हूं माइक्रो और इसको रन कर, 800 आ गया। हमने इसमें कोई स्टार्ट नहीं दिया, कोई एंड नहीं दिया, हमने बोला यहाँ पे कि भाई इसकी जब नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जैसे ही आर की वैल्यू, ये जो आर क्या है, ये आपका रोल नंबर के काम कर रहा है, हर बार रोल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे 800 दे। तो जैसे ही उसको वो यहाँ पे आया और इसको इक्वल टू जीरो मिल गया तो इसने लूप को खत्म कर दिया। समझ में आया लूप की नहीं आप लोगों को? हेलो जी सर। हाँ जी सर जी, समझ में आया लोग? समझ आया सर। चलिए अभी इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे हम रखते हैं। अभी इसमें अगला टॉपिक हमारा होता है व्हाइल लूप का। तो व्हाइल लूप डू लूप का अपोजिट होता है।
दो अल्टी लूप बात कीजिएगा अल्टी लूप उसका अपोजिट होता है। अब यहाँ पे मुझे इक्वल टू जीरो करना तब मेरा परफॉर्मेंस तब मेरा चलेगा अदरवाइज नहीं चलेगा। तो अपोजिट कंडीशन यूज करता है काम सेम करता है। तो एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते तो यहाँ पे ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत और भी है कि यहां पे जैसे कि हुआ ना हम इसको ब्लैंक कर दें अगर मैं ऊपर का ऊपर वाला कंडीशन दिया कि नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया तब क्या होगा था एक बार तो चलेगा चलेगा ठीक है सर। तो ये क्या होता है कि व्हाइल क्या करता है कंडीशन चेक करता है देन रन करता है और अंटिल क्या करता है कि पहले वो रन करता है देन कंडीशन चेक करता है और इसकी कंडीशन इसके अपोजिट होती है। तो डू व्हाइल एंड डू अंटिल लूप दोनों समझ में आ गया दोनों का प्रोसेस सेम है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि आखिर इसका यूज हम कहां करें। तो चलिए इसके एक दो यूज हम आपको बता दें। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप इनपुट बॉक्स लगाते हैं यहाँ पे एन मैंने आपको दिया डिम एन एज ए स्ट्रिंग और एन इक्वल टू हमने लगाया इनपुट बॉक्स क्या लिखा एंटर नेम। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो मुझसे पॉपअप देगा। अब मैं इस बॉक्स में नाम लिखूं बिना लिखे भी ओके कर सकता हूं कैंसिल कर सकता हूं यहां से कैंसिल कर सकता हूं ठीक है तो हो जाएगा आपका ओके मैं ब्लैंक ओके कर दिया इसे ब्लैंक आ गया। लेकिन आपकी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनपुट बॉक्स में नाम जो हम एंटर कर रहे हैं वो एंटर होना ही चाहिए। तो उसके लिए अब यहां पे हम व्हाइल लूप लगाएंगे हम लिखेंगे कि डू अंटिल
एन इक्वल टू ब्लैक अंटिल वे के है और यहां पे मिल गई ब्लू। अब क्या होगा कि हम लोगों के क्या जिसमें नॉट इक्वल टू ब्लैक होगा, नॉट इक्वल टू ब्लैक। अब मैं इसको कैंसिल करूंगा, वापस आ रहा है। अब मैं यहां पे मान लीजिए लिख देता हूं कि पूजा, तो आगे बढ़ने दिया, खत्म कर दिया। अब यहां पे मैं फोर लूप जैसे लूप का यूज नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि हम कितना बार इनपुट बॉक्स को रन करेंगे कुछ ऐसा था नहीं, हमें इस इनपुट बॉक्स के लाइन को बार बार रिपीट करना है। कितना बार करना है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, बस एक कंडीशन है कि यूजर इनपुट में कोई नाम डाले और नाम एन पे स्टोर। इसमें कोई फॉर्मूला और भी चीजें भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हेलो अमित जी, अब दूसरा एग्जांपल और भी हो सकता है। आपको याद होगा हमने आपको एक एक प्रोजेक्ट कराया था डेटा कंपाइलेशन, याद है आप लोगों को कि हमारे पास एक सीट में कई सारे डेटा थे और उन डेटा को मुझे कॉपी पेस्ट करना था एक सीट, और उसके बाद हमने आप लोगों को टास्क दिया था एक फोल्डर में जितने भी फाइल है उन फाइल का आपको ये करना है, कॉपी पेस्ट करना। सबसे पहले बात आती है कि उस फाइल फोल्डर में कितने फाइल है कैसे पता चले, समझे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी मेथड का यूज करेंगे। आप एक सब अब यहां पे पूछ देते हैं कि फोर यहां पे देते हैं हम डिम एफ एन फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग ले लेता हूं। और एफ एन इक्वल टू हमारे पास डी आई आर फंक्शन होता है, डायरेक्टिव फंक्शन को बोलते हैं। ए किसी पाथ, जैसे कोई पाथ आपके पास है, जैसे मान लीजिए कि मैं माय डॉक्यूमेंट में ही चला जाता हूँ, टीवी चलाए क्लास खोल लेता है भाई, टीवी देख लो ना क्लास देख लो, पर क्या हुआ? अभी इस फोल्डर में मेरे पास कुछ वीवीए की फाइल है, कुछ एक्सेल फाइल है, मुझे इसमें से सारे एक्सेल फाइल का लिस्ट चाहिए ताकि मैं उसको वन बाय वन ओपन करा सकूं। तो यहां पे हमने उस पार फोल्डर का पार दे दिया और स्टार डॉट एक्सएलएस एम कर दिया एक्सटेंशन, और हमने बोला कि भाई वही फाइल लेना है जो नॉर्मल हो, हिडन या प्रोटेक्टेड या कुछ सिस्टम फाइल वगैरह नहीं लेना। और प्रॉब्लम क्या है कि एफएन के ऊपर उसने डायरेक्टिव फंक्शन में सारे फाइलों का लिस्ट अपने अंदर रख लिया, लेकिन एफएन हमारा स्ट्रिंग डेटा है तो एक बार में एक ही डेटा को लेगा। अब मैं यहां पे पेस्ट कराऊं कि रेंज
ए 65,000 डॉट एंड एक्स प्लस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल डॉट वैल्यू करना इक्वल टू हमने कहते हैं। मैं अगर इसको रन करूंगा तो सिर्फ एक फाइल का नाम देगा, मुझे अगली फाइल का नेम चाहिए तो मुझे वापस एफ एन इक्वल टू डी आई आर को लोड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि एक दूसरी फाइल देगा, दो फाइल देगा, ऐसे मैं यहाँ पे तीसरी चाहिए, जितने फाइल चाहिए, जितने फाइल है उतने बार मुझे इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, रीलोड कर देता है नेक्स्ट फाइल नंबर। अगर आपने एफ एन इक्वल टू डी आई आर किया तो एफ एन के ऊपर नेक्स्ट फाइल रीलोड हो जाएगी और फिर उसी को देगा। तो जितना बार आप कॉपी पेस्ट करेंगे उतने फाइल की लिस्ट यहाँ पे आएगी। अब प्रॉब्लम है कि अब फोल्डर में कितने फाइल है आई डोंट नो, और ये पता भी नहीं कर सकता, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी क्या। तो हम लेकिन इसमें है कि जैसे इसकी फाइल खत्म होगी वो एफ एन के ऊपर ब्लैंक एंट्री कर देगा। तो मैं यहां पे लगा देता हूं कि डू व्हाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहां पे हमने लूप लगा। अब मैं इसको लिस्ट डाल देता हूं, सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल टू करना था, मुझे इक्वल टू करना था, उल्टा लेंगे। ओके माफ कीजिएगा, हम गलती कर दी, इसको हमें इसको लूप से बाहर रखना है, इसको लूप से बाहर रखना है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, आ गया सारे फाइल की लिस्ट। इस कोड को समझिए सही से, विदाउट इस कोड में नहीं कर सकते। तो अब इसकी मदद से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। फाइल का नाम एपेन पे स्टोर है, आपको फाइल का लोकेशन यहाँ है, वन बाय वन इसको ओपन कराइए, ठीक है, और उसकी डेटा को कॉपी पेस्ट कीजिए। सबमिट हो गया था, तो समझ में आ गया आप लोगों की नहीं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और मुझे उसका ये दीजिए, क्या बोलते हैं, ठीक है, वो जो प्रॉब्लम मैंने दिया था उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके दीजिए। ठीक है, ओके सर, हो जाएगी कि नहीं, अब तो हो जानी चाहिए ना सर। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय, आज इतना ही, थैंक यू।